हेलो गाइस, हमारा आज का टॉपिक शबनम और जेबा बख्तियार की फिल्मों के कॉपीड सीन्स के बारे में है। शबनम को चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद ने 1968 में अपनी फिल्म समंदर में मरकजी किरदार की पेशकश करके इन्हें मगरबी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया। वेल, समंदर वॉज अ सिल्वर जुबली हिट एट बॉक्स ऑफिस। शायद यही वजह रही होगी कि पाकिस्तान की मशहूर सियासी पार्टी MQM मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने फिल्म समंदर के इस गाने को अपना पार्टी सॉन्ग बनाया। अब थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान टेलीविजन के मशहूर तरीन ड्रामे अनारकली में काम करने वाली जेबा बख्तियार की, जिन्होंने राज कपूर की हिंदी फिल्म हिना और दीगर हिंदी फिल्मों के साथ साथ पाकिस्तान की सुपरहिट फिल्म सरगम में भी काम किया। हम अपनी आज की वीडियो में बात करेंगे नदीम और शबनम की सुपरहिट पाकिस्तानी फिल्म दिल लगी की, जो कि 15 फरवरी 1974 में रिलीज हुई थी। उन्हें दे दो खबर, मर चले हम मगर, ले चले याद उनके यहाँ। इसके बरक्स ऋषि कपूर और जेबा बख्तियार की फ्लॉप हिंदी फिल्म मोहब्बत की आरजू, जो कि 20 साल बाद बनाई गई। तो चलते हैं इन फिल्मों के कुछ ओरिजिनल और कॉपीड सीन की तरफ। बारिश की रात, हीरोइन का सड़क पर गलती से कार को टैक्सी समझकर आवाज लगा देना। टैक्सी, टैक्सी, माफ कीजिएगा, मैं टैक्सी समझी थी। टैक्सी जी कहिए। माफ कीजिए, मैंने आपकी गाड़ी टैक्सी समझकर रोक दी। सेकंड सीन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ चेक दिस डायलॉग। कोई बात नहीं, टैक्सी और कार में सिर्फ नामों का फर्क है, काम दोनों का एक ही है। कोई बात नहीं, वैसे टैक्सी और कार में सिर्फ नाम का फर्क है, काम तो दोनों का एक ही है। थर्ड सीन में हीरो का हीरोइन के साथ जबरदस्ती का च्युइंग गम होना। कहिए कहाँ जाना है आपको? जी मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। टैक्सी में? देखिए शायद इस वक्त आपको टैक्सी वैक्सी ना मिल सके, आइए मैं आपको छोड़ा। देखिए यकीन कीजिए मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। जी मेरा ये मकसद नहीं था। तो फिर बैठ जाइए। कहीं कहाँ जाना आपको? नहीं नहीं, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन इस वक्त शायद आपको टैक्सी नहीं मिलेगी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं ऐसे वैसे किस्म का आदमी नहीं हूँ। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो बैठ जाइए ना। और शबनम अगर क्वार्टर में रहती हैं तो जेबा क्यों ना रहें? कहाँ जाइए? न्यू मुस्लिम टाउन, मैं वहाँ एक क्वार्टर में रहती हूँ। कहाँ जाना आपको? जूस की। जी मैं वहाँ एक छोटे से क्वार्टर में रहती हूँ। हीरो का फ्री होने की बेपनाह कोशिश के साथ पर्सनल सवालात की शुरुआत। शबनम बच्चों को होम ट्यूशन देने वाली उस्तानी निकली, तो जेबा ने भी तो शबनम को फॉलो करना है। क्या मैं पूछ सकता हूँ आप इस बारिश में? जी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इतनी रात इतनी बारिश में आप ऐसे? मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। और बिलाखिर हीरोइन के सवालात की बारी भी आ गई है और शुरू हुई हीरो की लंबी लंबी छोड़ियाँ। आपके पास भीड़ कार है? यही नहीं, कारखाने, मिले, कई प्रोजेक्ट, गैर मुल्की फर्म में शेयर और दुनिया के तकरीबन हर बड़े शहर में बंगले, बहुत सी फैक्ट्रियां हैं। यूं समझिए कि हिंदुस्तान के हर शहर में मेरा दफ्तर है। इसका मतलब है कि आप बहुत बड़े आदमी हैं। इसी तरह लंबी लंबी फेंकते फेंकते हीरोइन को झूठ मूठ की जॉब की पेशकश। अगर आप चाहें तो मेरा मतलब है आप मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी बन सकते। ना सही, आपके बाबा की मुलाजिमत का कोई बंदोबस्त किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको नौकरी दे सकता हूँ। जी मेरा मतलब आपके पिताजी को नौकरी दे सकता हूँ। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस।